आज आपके साथ शेयर करूंगी रमजान स्पेशल रेसिपी में काठियावाड़ छोले की रेसिपी, जो कि बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन खाने में इतने डिलीशियस है ना कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये काठियावाड़ छोले की एकदम ओरिजिनल रेसिपी है, आप इसको इफ्तार में बनाएं बहुत ही डिलीशियस सी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे, इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। रेसिपी को स्किप करके ना देखें, फिर क्या होगा कि कोई स्टेप आपसे मिस हो जाएगा और आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी छोले, जो कि मेरे पास छोटे वाले हैं, क्योंकि काठियावाड़ चाट में जो है वो छोटे वाले छोले ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और यही वाले यूज़ होते हैं। ये मैंने लिए थे जी 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था पानी में और उसके बाद प्रेशर कुकर में इनको बॉयल कर लिया है। और आप देख सकते हैं छोलों को हमने अच्छी तरह से बॉयल किया है, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो छोला एकदम ज़बरदस्त किस्म का मैच हो रहा है। चने तो मैंने 500 ग्राम लिए हैं लेकिन इस रेसिपी में चने यूज होंगे 250 ग्राम, मतलब कि इन चनों का हाफ। और आप देख सकते हैं चनों का पानी भी है। तो अब चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बर्तन ले लिया है, इसमें चने शामिल कर देंगे और अब जो चनों में पानी था वो भी शामिल करेंगे। चनों का पानी जो है वो तकरीबन 3 गिलास के करीब है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और ये 1/2 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब चने बॉयल किए थे तो मैंने साबुत किए थे कुछ भी उसमें नहीं ऐड किया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे और शामिल कर देंगे जी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। बस यही स्पाइसेस जाएंगे और अच्छी तरह से हमने छोलों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान से ये काठियावाड़ चाट की रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने पकने के लिए रख दिया है चनों को, आहिस्ता आहिस्ता से मसाला से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हमने ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का बैटर शामिल करेंगे, जो कि हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके उसमें 1/2 गिलास पानी शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक बैटर तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करें ताकि जो लम्स वगैरह है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये बैटर एकदम रेडी हो चुका है। तो अब इसको शामिल करेंगे कुछ इस तरह से, कम कम क्वांटिटी में सारे एक साथ ना ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं इफ्तार में, यकीन करें सभी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस मज़ेदार से काठियावाड़ चाट की रेसिपी को, और यकीन करें रेसिपी भी पूछेंगे। बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको घर में बहुत आसानी से कम बजट के साथ बना सकते हैं। और मशाला से देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेवी गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है, ऊपर से हमने कवर कर दिया था जी 4 से 5 मिनट तक। तो 5 मिनट होने के बाद कवर को रिमूव कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मशाला से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी और इसमें जितनी भी आपने चीज़ें लेनी है ना वो सभी आपके किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल होंगी। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे जी लाल मिर्च, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं और इनको गोल स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके साथ मैंने आलू ले लिए हैं, जो कि मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के थे, जिनको सिंपली नमक ऐड करके बॉयल कर लिया था और उसके बाद इनका छिलका रिमूव करने के बाद क्यूब्स में कुछ इस तरह से कट कर लिया है। जिस तरह से नॉर्मली आप चाट बनाते हैं ना, तो उसमें जो आलू डालते हैं उससे थोड़े बड़े ही आलू रखने हैं आपने। तो अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से यकीन करें इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार किस्म की ये काठियावाड़ चाट की रेसिपी है ना कि ज़बरदस्त। अब आलू शामिल करने के बाद क्या करेंगे कि हम 1 से 1.5 मिनट तक ऊपर से कवर करेंगे हल्की फ्लेम रखते हुए, ताकि जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर भी अच्छे से जाए। तो 1 से 1.5 मिनट होने के बाद कवर को रिमूव कर लिया था और ये मज़ेदार सा हमारा काठियावाड़ चाट तैयार हो चुका है। ये मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, इसके साथ कुछ मज़ेदार सी चटनियाँ सर्व की जाती हैं, कुछ और मज़ी चीज़ें सर्व करती हैं जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाट को हमने थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने दिया है। बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर आप भी इफ्तारी में कुछ नया और मज़ेदार खाना चाहते हैं या फिर आप डिफरेंट किस्म की चाट खाना चाहते हैं, तो इस मज़ेदार से काठियावाड़ चाट को इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। तो जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तो उस स्टेज पर हम इसको सर्व करेंगे। इस सर्व करने का तरीका कोई इतना मज़ेदार है ना कि सर्व करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा।
तो इसको हमने बाउल में ऐड कर देना है। आप जिस भी बाउल में निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो अब जो इसके ऊपर चीज़ें ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। सिंपली आपने क्या लेना है कि आपने लेना है टमाटर, जिसका आपने बीज वगैरह रिमूव करके छोटे क्यूब्स में कट करना है। हरी चटनी ली है जिसमें मैंने दही ऐड किया है। हरा धनिया और प्याज को जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। और इसके साथ जी सर्व की जाती है मज़ेदार सी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है जी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर आए बटन में। और इसके साथ सिंपली हमने पापड़ी ले ली है। तो अब इन चीज़ों को करेंगे साइड पे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जी हम अपनी मज़ेदार सी काठीवार चाट को कर लेंगे ऊपर से गार्निश। सबसे पहले इसके ऊपर हमने ऐड की है हरी चटनी और उसके बाद ऐड करेंगे खट्टी मीठी चटनी। कुछ इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में ऐड करें ताकि चाट का मज़ा दुबाला हो जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे जी अपनी मज़ेदार सी हरी चटनी दही वाली। इसे भी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी हम मज़ेदार सी पापड़ी कुछ इस तरह से। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। और यकीन करें जितना इस चाट को बनाना आसान है ना, इतनी ही ये मज़ेदार बनती है टेस्ट में। बस रेसिपी को आपने पूरा देखना है, रेसिपी को कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि आपकी रेसिपी भी कुछ इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और डिलीशियस मज़ेदार सी बने। ऊपर से हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है जी इसके ऊपर टमाटर और इसके बाद थोड़े से और प्याज शामिल करेंगे। जब प्याजों का क्रंच आएगा ना इस मज़ेदार से काठीवार चाट में, तो यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। और खट्टी मीठी का जो चटनी का टेस्ट है ना, वो तो एकदम लाजवाब है। ज़रूर से बनाएं इस मज़ेदार सी टेस्टी से इजी से काठीवार चाट की रेसिपी को और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। रेसिपी अगर आपने देख ली है यहाँ तक, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और ईजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी आपको अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपके घर पे भी दावत पार्टी है तो दावत पार्टी में इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं। यकीन करें आपके मेहमान रेसिपी पूछेंगे। जिस भी कंट्री से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। और ये काठियावाड़ कराची की बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है। आप इसको बआसानी घर में बना सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, और घर में बनाएंगे तो आपको कम बजट में भी पड़ेगी। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।